के अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ बैठा। इस बीच मेरे लगभग 300 किसान साथी शहीद हो गए, कुछ सर्दी से, कुछ बीमारी से, कुछ एक्सीडेंट में, तो कुछ ने दुखी होकर खुद अपनी जान ले ली। आज उन शहीदों की कसम खाके मैं आपको केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं। बीजेपी सरकार ने किसानों से बिना मांगे, उनसे बिना पूछे 3 ऐसे किसान विरोधी कानून लाए हैं जो हमारी फसल को ही नहीं, हमारी नस्ल को नष्ट कर देंगे। बीजेपी के नेताओं ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दलाल, आतंकवादी और देशद्रोही बताकर किसानों का अपमान किया है। बीजेपी के मंत्रियों ने किसानों से बातचीत का नाटक किया, लेकिन खुले मन से उनकी बात सुनी भी नहीं। बीजेपी सरकार के इशारों पर मेरे साथियों पर आंसू गैस चलाई गई, वाटर कैनन बरसाए गए, लाठीचार्ज हुआ और झूठे मुकदमे बनाए गए। किसानों के इस अपमान और दमन का प्रतिकार करने के लिए मुझे आज आपकी मदद चाहिए। कुछ ही दिनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने देख लिया है, मोदी सरकार सच और झूठ की भाषा नहीं समझती, अच्छे और बुरे में भेद नहीं समझती, संवैधानिक या असंवैधानिक का अंतर नहीं जानती। बस यह पार्टी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट, सत्ता। भगत सिंह ने कहा था कि पहली अंग्रेज सरकार के कान खोलने की जरूरत है, उसी तरह इस पहली बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए वोट की चोट देने की जरूरत है। यह काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे यहां अभी चुनाव नहीं हो रहे। आप ये काम कर सकते हो। बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने को बड़ी आतुर है। अगर बंगाल का किसान उसे चुनाव में, अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव हारती है तो उसका घमंड टूटेगा और मोदी जी को किसानों की बात माननी पड़ेगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को छोड़ के किसे वोट। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आपके प्रदेश की सरकार, बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के फूल को वोट देने की भूल ना कर। पिछले 3.5 महीनों से मैं गांव नहीं गया। मेरी माँ ने कहा था संघर्ष में विजय हासिल करके ही वापस आना। मैं अपनी माँ से कब मिलूंगा, ये आपके हाथ में। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। मुझे विश्वास है आप वोट डालते वक्त मेरी सब, which is also being released for the farmers of other states as well. So that's all I wanted to say.